अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद मलिक फ्रॉम amanat.com। आज जिस प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात करूंगा उसका नाम है जरकून हाइट्स। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है सिक्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का, सिक्स रेजिडेंशियल अपार्टमेंट टावर्स का, और साथ में एक कमर्शियल टावर भी ये बना रहे हैं। पर कमर्शियल टावर की अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, इस वक्त इनका सारा फोकस जितना भी है वो रेजिडेंशियल टावर्स की तरफ है। उसमें उन्होंने जो इस वक्त कंपनी ने कंस्ट्रक्शन की है वो टावर ए टावर बी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, डिलीवर भी कर चुके हैं, लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, पोजेशन मिल चुका है। टावर सी की इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट बुकिंग जो है इस वक्त टावर एफ़ की है। टावर सी टावर डी ऑलरेडी सोल्ड आउट, टावर ई कंपनी इज़ कीपिंग फॉर देयर सेल्व्स फॉर नाउ, मे बी इन फ्यूचर दे विल मार्केट इट, बट अभी वो इसको मार्केट नहीं कर रहे। टावर एफ़ जो इसके ब्लॉक है इस वक्त इसकी बुकिंग हो रही है, जिसकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 45 लाख एंड गोज़ अप टू 2 करोड़ 20 लाख तक इसकी प्राइसेस हैं, जिसमें वन बेड अपार्टमेंट से लेके 4 बेड अपार्टमेंट डिलक्स तक के ऑप्शन, डुप्लेक्स तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम रेजिडेंशियल टावर्स की बात करें तो रेजिडेंशियल टावर्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 बेसमेंट्स जो कार पार्किंग है, उसके बाद ग्राउंड प्लस 9 रेजिडेंशियल टावर्स हैं। उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ्रॉम यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बेड अपार्टमेंट इट गोज़ अप टू 4 बेड अपार्टमेंट। अगर इसकी सर्विसेज की बात करें तो कंपनी ऑल दी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड इन रेजिडेंशियल टावर्स आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। सो इट मींस कि अगर आपको कोई मेंटेनेंस के लिए कोई रिक्वायर्ड है पर्सन, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है या प्रॉब्लम है, तो दे विल ऑल सॉर्ट इट आउट। दे जस्ट चार्ज यू एवरी मंथ विद अ सर्विस चार्ज, जिसमें ये सब सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल रिगार्डिंग टू दैट। कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह 6 टावर्स जो मैं आपको बता रहा था कि ये रेजिडेंशियल हैं और एक कमर्शियल टावर है, तो द क्वेश्चन अराइजेज कि कमर्शियल टावर में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। कमर्शियल टावर्स में बेसिकली ये शॉप्स प्रोवाइड करेंगे, होटल सुइट्स हैं जो होटल अपार्टमेंट्स का आजकल कॉन्सेप्ट है, उस पर ये काम करेंगे। शॉप्स अवेलेबल होंगी, उसमें ग्रॉसरी स्टोर्स हो सकते हैं, शॉप्स होंगी दैट इज़ फॉर यू नो द बेसिक नेसेसिटीज़ दैट यू नीड टू गेट, तो उसमें ये बाकी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। पर फॉर नाउ दे आर नॉट यू नो एडवर्टाइजिंग देयर कमर्शियल प्रोजेक्ट, अभी ये फ़िलहाल कमर्शियल की तरफ नहीं जा रही, ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को फोकस कर रहे हैं। अगर इट्सेल्फ बात करें एरिया की, लोकेशन की, तो ये CDA के अंडर आता है ये एरिया जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। G15 इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें सिक्योर इन्वेस्टमेंट की, तो ऑफकोर्स CDA के अंदर प्रोजेक्ट है, तो एवरी इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक, एवरी ऑप्शन दैट यू नो टेक इन दैट, आपकी ऑलमोस्ट 100% आपकी इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर है, बिकॉज इन फ्यूचर बड़ी प्राइम लोकेशन है ये, राइट नेक्स्ट टू मोटरवे इस्लामाबाद वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम। इट्स जस्ट लाइक हार्डली 600-700 meters अवे फ्रॉम देयर। तो अगर आपने मोटरवे पे ट्रैवल करना है तो लोकेशन बहुत ही प्राइम है, मेन GT रोड के ऊपर इनकी लोकेशन आती है। तो लोकेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो देर वोंट बी एनीथिंग बेटर देन दैट। प्राइसेस की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम 45 लाख, इट गोज़ अप टू 2 करोड़ 20 लाख तक इनका कैप बनता है प्राइसेस की। अगर इसके डेवलपर की हम बात करें जरकून हाइट्स के, तो इनके डेवलपर KBD हैं, कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ये 1995 ये मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिलायबल साउंड डेवलपर्स हैं, बिकॉज द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स दे हैव डिलीवर्ड, तो पीपल आर वेरी हैप्पी लाइक विद देयर कंस्ट्रक्शन, विद देयर development that they have done, and they have vast experience in this field, क्योंकि real estate के अंदर इस sector में ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। It's been more than 2 decades जिससे ये काम कर रहे हैं, so I think अब इनकी credibility इतनी है market के अंदर कि कोई भी इनके projects में invest करना पसंद करेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि before time एक project को deliver करते हैं। अगर हम इसके price plans की बात करें तो price plans include इनकी 15% आप डाउन पेमेंट के पे करते हैं, और बाकी एक महाना एक साथ में, जो तकरीबन आपको 4 साल का प्लान है जो आप इसकी पेमेंट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 15% डाउन पेमेंट पे करेंगे,
और उसके बाद ये सारा इंस्टॉलमेंट्स पे है. इंस्टॉलमेंट्स इसकी इट कैन रीच अप टू 4 ईयर्स, बट द गुड थिंग अबाउट देम इज़ दे आर नोन फॉर डिलीवरिंग बिफोर टाइम. तो अगर ये आपसे कमिट करते हैं कि अगले 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो ये आपको 3.5 साल इसको डिलीवर कर देंगे. मतलब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की बात करें, तो ये और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं. अगर आपने 18 प्रोजेक्ट का नाम सुना हो, तो इसकी भी सारी डेवलपमेंट कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ही कर रहे हैं. तो ये भी KBD के अंडर ही आ रही है. तो डेवलपमेंट में नोबडी बीट्स देम इन द मार्केट. अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ इस प्रोजेक्ट का, तो आई थिंक इट्स अ वेरी साउंड एंड फिजिबल इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड कंस्ट्रक्शन. अगर आप लग्जरियस अपार्टमेंट्स को पसंद करते हैं, अगर आप कमर्शियल को पसंद करते हैं, इफ़ यू थिंक यू वांट योर इन्वेस्टमेंट बी टू बी लॉन्ग टर्म विद अ गुड रिटर्न विद हायर रिटर्न्स, तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर दिस प्रोजेक्ट. व्हाई? बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वुड बी इट्स लोकेशन. इट्स अ वेरी आइडियल लोकेशन. CDA के अंदर बेस्ड है ये प्रोजेक्ट. तो आई थिंक यू वॉन्ट गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट बेटर देन दिस. बिकॉज अगर इसकी प्राइसेस को कंपेयर करें, तो मिनिमम प्राइसेस से लेके मैक्सिमम जो कैप है, आई थिंक अफोर्डेबिलिटी बिकम्स मोर ईजी व्हेन वी टॉक अबाउट इट. तो हर किस्म के कैप्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं. मीन्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. जो बाकी अगर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, तो उसमें बहुत मुश्किल इस प्राइस रेंज को अचीव करना इजी है. तो माय टेक इज प्लीज़ इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट. इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस वीडियोज, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक अवर कॉन्टेंट इन दिस वीडियो एज वेल. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ कमेंट अस. यू विल हैव नंबर ऑन द स्क्रीन एज वेल. उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. Directly you can reach us, you can contact us if you have more questions, if you want to more know about the projects that we haven't talked about. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें जिस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज मार्केट में जानना चाह रहे हों, किसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सा प्रोजेक्ट कब डिलीवर करेगा, तो प्लीज़ रीच अस ऑन आवर फेसबुक, ऑन आवर यूट्यूब. मानत की चेप जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर योर feedback. Thank you so much. Have a good day. Allah Hafiz. Amanat.com, Pakistan's first investment portal. Mashwara Amanat hai.